जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेर न्यूज, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल कमांडो के एक पर। दोस्तों जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये सबसे बड़ी न्यूज है, ये मान के चलिए SSC GD के जो बच्चे इंतजार कर रहे थे आंसर की वाले उनके लिए एक दुख बकरी और एक न्यूज आ गई। वैसे ही काफी दिन से SSC में हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ इसमें बवाल होता ही है। इस बार जो बवाल हुआ वो इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ है और ना ही किसी और एग्जाम में आपने देखा होगा। ये जो मैं जानकारी बता रहा हूं पहले आपको बता दूं, ये SSC की ऑफिशियल साइट SSC.gov.in पर है। 20 मार्च का एक नोटिस है, ये नोटिस में देखो क्या लिखा हुआ है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर द कॉन्स्टेबल इन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस, जो आपका एग्जाम है 20/2 से 7/3 के बीच में जो आपका एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के बारे में ड्यू टू वेन्यू स्पेशल टेक्निकल रीजन के कारण कुछ सेंटरों के एग्जाम निरस्त कर दिए गए हैं। हम इंतजार कर रहे थे किसका, आंसर की का, और यहां पर तो बवाल ही हो गया है। ये नहीं 20 तारीख से लेके वो 7 तारीख तक कई सेंटरों के एग्जाम निरस्त हो गए हैं। अब उनके जो एग्जाम है वो वापस होंगे, ठीक है। उसमें लिखा है नीड हैज बीन फेल्ड टू द होल्ड री एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द क्राइटेरिया वेन्यू डेट्स और शिफ्ट NGG शिफ्ट का जो कैंडिडेट अवेलेबल होंगे उन सबका वापस से एग्जाम होगा। दिस लिस्ट ऑफ सच ए वेन्यू अलोंग विद द डेट शिफ्ट द एग्जाम, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है डेट के साथ। इन व्यू द अबाउट द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट री एग्जाम 30/3/2024, यानी जो 30 तारीख आई, यानी 30 मार्च से ये एग्जाम होगा। ध्यान रखना जिन जिन बच्चों का एग्जाम निरस्त किया गया 30 मार्च से उनके एग्जाम होंगे, ये भी इसमें लिखा हुआ है। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट द रेगुलर, यानी लगातार आपको जो वेबसाइट है कौन सी, यही वाली SSC.gov.in वाली, इस पर लगातार आपको देखते रहना है। अब देखो उनकी जो लिस्ट है ना, ओनली दो कैंडिडेट हु अपीयर अर्ली द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कॉन्स्टेबल आर्मड पुलिस फोर्सेस, यानी जो अभी वाला जो एग्जाम है जिन बच्चों ने अपेयर किया था 20 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, अब देखो उसकी लिस्ट भी जारी की गई है। ये देखो लिस्ट, ये सेंटरों के नाम है, कौन सा रीजन है, कौन सी सिटी है, डेट और उसकी शिफ्ट, ठीक है। इसमें कितने कैंडिडेट थे, 126। अब आप अपना एडमिट कार्ड से दोबारा इसको चेक कर लेना, आर्य महिला PG कॉलेज CR वाराणसी 24/2 की शिफ्ट 1 नंबर, 177 कैंडिडेट थे। यानी ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में अगर आपके सेंटर का नाम है और जिस डेट को आपका एग्जाम था वो डेट है तो आपका एग्जाम वापस होगा। समझ गए बात को, आपका एग्जाम है फिर से होगा। ये देख लीजिए लगभग 16,185 कैंडिडेट का एग्जाम फिर से होगा। इस लिस्ट के अनुसार टोटल 81 सेंटरों पर 16,185 कैंडिडेट का वापस से एग्जाम होगा। कमांडो अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ये लिस्ट डाल रहा हूं, आप वहां जाके देख लेना। आपको सबसे पहले देखनी है आपका सेंटर कौन सा था, फिर क्या उसी डेट का उस सेंटर का एग्जाम रद्द हुआ है, फिर उसके आगे देखना वो शिफ्ट कौन सी थी। तो हम इंतजार कर रहे थे आंसर की का, और ये एक बहुत बुरी खबर आ गई है इन बच्चों के लिए, इनका वापस से री एग्जाम होगा। वैसे सारे बच्चों के लिए एक बुरी खबर है, ये कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा नोटिस मैं कमांडो अकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाल रहा हूं, आप जाके देख लेना। अगर आपका इसके अंदर है तो आपको तैयार रहना है, 30 मार्च से ये वापस एग्जाम होगा। लगातार आपको साइट पर विजिट करते रहना है ताकि आप देख सको कि आपका एडमिट कार्ड किस स्थिति का जारी होगा, ठीक है। लाडू जय हिंद जय भारत।